Welcome back, children. In this video, we are going to learn an interesting poem from your English Malbharti textbook. And the topic is bad time. So, children, before starting with the topic, I would like to ask some questions. So, first one is, when do you have your breakfast? So, tell me, students, आप लोग अपना नाश्ता कब करते हो? Very good. In the morning. Morning में हम सुबह में अपना नाश्ता करते हैं. Second is, when do you have your dinner? So, students, हम लोग dinner कब करते हैं? At night. रात के वक्त. Okay, next is, what should we do after dinner? हम लोग dinner के बाद क्या करते हैं? Very good, children. हम लोग डिनर के बाद सोने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या हम लोग सोने के लिए फ़ौरन जाते हैं? नो, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम. सो हम लोग कुछ देर वेट करने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं, बिकॉज इट्स अ बैड टाइम. सो लेट्स सी चिल्ड्रन, पोयम नंबर 37, बैड टाइम. फर्स्ट वी विल रीड दिस पोयम. द इवनिंग इज कमिंग, द सन सिंक्स टू रेस्ट. The rooks are all flying straight home to the nest. Cow, says the rook, as he flies overhead, it's time little people were going to bed. The butterfly, drowsy, has folded its wing. The bees are returning no more, the birds sing. Their labor is over. Their nestlings are fed. It's time little people were going to bed. Good night little people, good night and good night. Sweet dreams to your eyelids till dawning of light. The evening has come, there is no more to be said. It's time little people were going to bed. The evening is coming, the sun sinks to rest. Students, the sun set in the evening around at 6:30 or 6 PM. 6 बजे या फिर 6:30 बजे के करीब सन जो है सेट हो जाता है. सन क्या करने के लिए चला जाता है? रेस्ट करने के लिए चला जाता है. द रूक्स आर ऑल फ्लाइंग स्ट्रेट होम टू द नेस्ट. रूक्स, रूक्स मीन्स अ काइंड ऑफ बर्ड. रूक्स एक परिंदे का नाम है, एक बर्ड का नाम है, जो फ्लाई करते हुए स्ट्रेट कहाँ जा रहा है? अपने घर की तरफ, अपने नेस्ट की तरफ जा रहा है. काउ, सेज द रूक, एज ही फ्लाइज ओवर हेड, इट्स टाइम लिटिल पीपल वेर गोइंग टू बेड. सो चिल्ड्रन, यहाँ पर जो ये रूक नाम का परिंदा है वो क्या कह रहा है? काउ काउ करते हुए उड़ता हुआ जा रहा है. रुक्स कहाँ से उड़ रहे हैं? आसमान में उड़ रहे हैं, घरों की छत के ऊपर से उड़ रहे हैं. ओके, इट्स टाइम लिटिल पीपल वेयर गोइंग टू बेड. लिटिल पीपल यहाँ पे किसे कहा गया है? छोटे बच्चों को. और ये अभी कौन सा वक्त हुआ है? जब सन सेट हो जाता है उसके बाद कौन सा वक्त होता है? छोटे बच्चों के सोने का वक्त होता है, उनके बेड पर जाने का वक्त होता है. द बटरफ्लाई ड्राउजी, ड्राउजी, ड्राउजी मीन्स स्लीपी. जो बटरफ्लाई है उसे भी नींद आ रही है. हैज़ फोल्डेड इट्स विंग्स, उसके बाद वो क्या करती है? वो भी अपने विंग्स को फोल्ड करना चाहती है. द बीज आर रिटर्निंग नो मोर द बर्ड्स सिंग. जो हनी बीज होती हैं वो भी अपने घर की तरफ रिटर्न हो रही है, अपने घर की तरफ वापस जा रही है. बीज क्या करती है दिन भर? गुड, बीज क्या करती है? फ्लावर से नेक्टर और पोलन जमा करती है दिन भर. और यहाँ पर अभी शाम हो गई है, सूरज रेस्ट करने के लिए चला गया है, तो बीज क्या कर रहे हैं? अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं. और कोई भी बर्ड अब गाना नहीं गा रहे हैं, सब के सब कहाँ गए हैं? अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं. देयर लेबर इज़ ओवर, देयर नेस्टलिंग्स आर फेड. जो बर्ड्स हैं वो लोग क्या करते हैं? अनाज ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, तो उनका काम ख़त्म हो गया है. और अभी क्या करेंगे? वो अपने नेस्टलिंग्स को खिलाएंगे. इट्स टाइम लिटिल पीपल वेयर गोइंग टू बेड. और अब ये कौन सा टाइम है? छोटे बच्चों का बेड पर जाने का टाइम है, उनके सोने का टाइम है. गुड नाइट लिटिल पीपल, गुड नाइट एंड गुड नाइट.
अब यहाँ पर लिटिल पीपल को क्या कहा जा रहा है, गुड नाइट कहा जा रहा है। स्वीट ड्रीम्स टू योर आईलिड्स टिल डॉनिंग ऑफ लाइट। सो चिल्ड्रन, इस स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं बच्चों के आँखों में स्वीट ड्रीम्स हो, अच्छे सपने हो, टिल डॉनिंग ऑफ लाइट मीन्स जब तक सुबह नहीं होती तब तक बच्चों के आँखों में अच्छे सपने हो। द इवनिंग हैज़ कम, देर इज़ नो मोर टू बी सेड, इट्स टाइम लिटिल पीपल वे आर गोइंग टू बेड। और जो इवनिंग आ गई है, शाम हो गई है, अब कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा वक्त है, ये बच्चों के, छोटे बच्चों के सोने का वक्त है। ओके, नाउ लेट अस लर्न सम वर्ड मीनिंग। फर्स्ट इज रुक, रुक मीन्स अ काइंड ऑफ बर्ड। सेकेंड लेबर, लेबर मीन्स हार्ड वर्क। थर्ड नेस्टलिंग्स, नेस्टलिंग मीन्स यंग बर्ड्स विच हैवेंट येट लेफ्ट देयर नेस्ट। बर्ड्स के छोटे बच्चे जिन्होंने अभी तक अपना घोंसला नहीं छोड़ा है, अभी तक वो उड़कर बाहर नहीं गए हैं। Please subscribe the channel and press the bell icon.